का एक डाउट था कि उन्होंने पेंटिंग यूज की, पेंटिंग बनाते हैं वो, और उन्होंने पेंटिंग बनाने के बाद इंडोर में उसका शूट कर रहे थे, तो वो फोटो लेने के बाद में रेड और ऑरेंज कलर था, राइट मिताली, जो पेंटिंग में थे, लेकिन वो जो कैमरा में क्लिक हुआ उस वक्त रेड रेड जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, ऑरेंज भी रेड जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, और पूरे इमेज में रेड ही आ गया ज्यादा, करेक्ट ना? तो ये हुआ बिकॉज ऑफ द सेटिंग्स, क्योंकि क्या होता है हमारी जो पर्टिकुलर ये ब्रेन होता है ना, या फिर जो हम लोग कैसे देखते हैं, अभी मान लीजिए कि मैंने जो ये थोड़ा सा डार्क कलर का शर्ट पहना हुआ है, या फिर आप मिताली आपके जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड है वो येलो है, राकेश जी आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का है, तो जो भी हम देखते हैं ना वो हमारा जो आंखें हैं उसको कैप्चर करती है और उस सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन में पहुंचाने के बाद ब्रेन उसको डिकोड करता है और हमको बताता है कि ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है, ये ब्लैक कलर है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ह्यूमन मैकेनिज्म है उसमें ना, जो भी लाइट कंडीशन में आप देखोगे, अगर आप रेड को व्हाइट मतलब दोपहर को 12 बजे आउटडोर में देखोगे, या फिर आप घर में आके उस रेड कलर को देखोगे, आपको रेड ही दिखाई देगा, आपको उसमें कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो आंखें वो किसी भी सिचुएशन में जाकर देखेंगी तो हमारा रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन कैमरा वैसे नहीं कर पाता। तो कैमरा क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज है, वो एक लिमिटेशन है, तो हर बार मुझे कैमरा को बताना पड़ता है कि मैं किस लाइट्स में यूज कर रहा हूँ, किस लाइट सिचुएशन को यूज कर रहा हूँ, तो कैमरा जो एक्चुअल कलर से उनको कैप्चर करता है। वहां पर आपकी सेटिंग आती है डब्ल्यू बी वाली, जो मिताली में आपको बोल रहा था, देयर इज अ वन टर्म जो हम लोग सीखने वाले व्हाइट बैलेंस करके। तो आपका जो रेड आ गया ना, वो रेड टोन क्यों आया, बिकॉज वो जो सेटिंग्स वो करेक्ट नहीं होंगी, सेटिंग्स करेक्ट नहीं होंगी, और जो लाइट में आप शूट कर रहे थे वो लाइट अलग था, लाइट का पूरा एनवायरमेंट अलग था, तो उसके लिए आपका जो पर्टिकुलर ना रेड है वो थोड़ा ऑरेंज जो है वो रेड बन गया, पूरा का पूरा रेड जैसा टोन आपको मिल रहा है, ऑरेंज दिखाई नहीं।